कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य सरकारों के साथ बैठक करेंगे। पीएम कोरोना वायरस से अधिक प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब राज्य शामिल हैं। यही राज्य देश में सबसे अधिक कोरोना केस वाले भी हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 80,321 मरीज मिले, जबकि 87,007 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 56,40,441 हो गई है। अब तक 45,81,746 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 1,056 लोगों ने दम तोड़ा। मरने वालों की संख्या 90,021 हो चुकी है। 12 राज्य ऐसे हैं जहां ठीक हुए मरीजों की दर 81% से ज्यादा है। इनमें अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और बिहार में तो रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। WHO ने भविष्य में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्कीम तैयार की है। इसे कोवैक्स स्कीम नाम दिया गया है। इस स्कीम से दुनिया के 156 देश जुड़ चुके हैं। इनमें दुनिया के 64 सेल्फ फाइनेंसिंग और आर्थिक तौर पर मजबूत देश शामिल हैं। हालांकि चीन और अमेरिका इस लिस्ट में शामिल नहीं है। WHO इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली संस्था गावी के साथ मिलकर काम करेगा। दुनिया में अब तक 3,16,00,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,32,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया भर में 74,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे प्रभावित अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,67,000 से ज्यादा है, जबकि 2,00,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को UN स्पीच में चीन पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर दुनिया चीनी वायरस के कारण वैश्विक संघर्ष में लगी हुई है। चीन ने जानबूझकर दुनिया भर में कोरोना फैलाया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अपनी स्पीच में ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस भी कहा।